नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं जो कथा लेकर आया हूँ उसका वर्णन ब्रह्म पुराण के हिंदी पीडीएफ के पृष्ठ संख्या 4 से लेकर 9 के मध्य उल्लेखित है, राजा पृथु का चरित्र के नाम से। आइए जानते हैं इस कथा को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों अत्रिकुल में उत्पन्न प्रजापति अंग बहुत धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे, वही उनका पुत्र बेन बड़ा अधर्मी और दुष्ट प्रवृत्ति का था, जिससे सभी ऋषि मुनि परेशान हो गए थे, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह किसी को यज्ञ हवन आदि नहीं करने देगा, क्योंकि उसका कथन था कि यजन करने योग्य यज्ञ करने वाला तथा यज्ञ मैं ही हूँ, मेरे लिए ही यज्ञ करना चाहिए अथवा मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए, जिससे क्रोधित ऋषियों ने महाबली बेन को पकड़कर बंधक बना लिया। महर्षि कुपित तो थे ही, अतः बेन की बाई जंघा का मंथन करने लगे, जिससे एक काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ और भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात महात्माओं ने पुनः बेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे अग्नि के समान तेजस्वी पृथु का जन्म हुआ। वह भयंकर टंकार वाले आजगव नामक धनुष और दिव्य बाण तथा रक्षार्थ कवच धारण किए हुए प्रकट हुए थे, और इधर बेन स्वर्गवासी हो गया तथा पृथु जैसे सतपुत्र को पाकर बेन को पदम नामक नरक से मुक्ति मिल गई। महाराज पृथु का अभिषेक करने के लिए समुद्र तथा नदियां अनेक प्रकार के रत्न लेकर स्वयं प्रकट हुई तथा अंगिरस देवताओं और ब्रह्मा सहित समस्त चराचर भूतों ने वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उनके पिता ने प्रजा को बहुत दुख दिए थे, लेकिन पृथु ने प्रजा का हर प्रकार से मनोरंजन किया, जिससे उनका नाम राजा पृथु हुआ। जब वे यात्रा करते थे तो समुद्र और पर्वत उनको रास्ता प्रदान करते थे। महाराज पृथु ने उसी समय पैतामह यज्ञ किया, जिससे परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई और उसी यज्ञ से मागध का भी जन्म हुआ। जन्म के पश्चात सूत और मागध ने पृथु की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर महाराज पृथु ने अनूप देश का राज्य सूत को तथा मगध का राज्य मागध को दिया। पृथु को देखकर महर्षियों ने प्रजा से कहा कि यही महाराज तुम सबको आजीविका प्रदान करने वाले होंगे। यह सुनकर सारी प्रजा महाराज पृथु की ओर दौड़ी और बोली कि हे महाराज, आप ही हमारे लिए आजीविका का प्रबंध करें, क्योंकि आप हर तरह से समर्थ हैं। तब महाराज पृथु ने प्रजा के हित के लिए धनुष बाण लेकर पृथ्वी की ओर दौड़े। यह देखकर पृथ्वी थर्रा उठी और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथ्वी महाराज पृथु के भय से ब्रह्मलोक सहित अनेकों लोकों में गई, लेकिन हर जगह पृथु को धनुष बाण लिए अपने आगे ही देखा। जब कहीं रक्षा नहीं हुई तो पृथ्वी हाथ जोड़कर महाराज पृथु की शरण में आई और बोली कि हे राजन, सभी लोक मेरे ऊपर ही स्थित हैं, मैं ही इस जगत को धारण करती हूँ, यदि मेरा नाश हो जाएगा तो समस्त प्रजा भी नष्ट हो जाएगी। यदि तुम प्रजा का भला चाहते हो तो मेरा वध ना करो। हे महात्मा, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगी। तिर्यक योनि में भी स्त्री को अबद्ध बताया गया है, तो तुम्हें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तब पृथु ने कहा कि हे भद्रे, जो अपने या पराए किसी एक के लिए बहुत से प्राणियों का वध करता है उसे अनंत पातक लगता है, परंतु जिस अशुभ व्यक्ति का वध करने से बहुत से लोगों का भला हो उसे मारने से पातक या उपपातक कुछ भी नहीं लगता। अतः मैं प्रजा के कल्याण के लिए तुम्हारा वध करूंगा। यदि तुम आज संसार का कल्याण नहीं करोगी तो तुम्हारा नाश करके अपने को पृथ्वी के रूप में प्रकट करके स्वयं ही प्रजा को धारण करूंगा। इसलिए मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजा की रक्षा करो और मेरी पुत्री बन जाओ, क्योंकि तुम सबको धारण करने में समर्थ हो। तब पृथ्वी बोली कि हे वीर, निसंदेह मैं यह सब करूंगी, मेरे लिए बछड़ा ले आओ।
जिससे स्नेह युक्त होकर मैं दूध दे सकूं। और हे भोपाल, तुम मुझे चारों ओर बराबर कर दो, जिससे मेरा दूध चारों दिशाओं में बराबर बह सके। तब महाराज पृथु ने अनेकों पर्वत को उखाड़ कर एक जगह एकत्रित कर दिया। जो भूमि का हिस्सा समतल था, वहां प्रजा ने निवास करना पसंद किया। उस समय तक प्रजा का आहार फल फूल हुआ करते थे और वह भी बड़ी कठिनाई से मिला करते थे। अब पृथ्वी समतल करने के बाद राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथों से पृथ्वी को दुहा। उस प्रतापी नरेश ने सभी प्रकार के अन्नों का दोहन किया। उसी अन्न से प्रजा आज भी जीवन धारण करती है। उस समय ऋषि, देवता, नाग, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उनके दूध, बछड़ा, पात्र और दुहने वाले अलग अलग थे। जैसे ऋषियों के चंद्रमा बछड़ा बने और बृहस्पति ने दुहने का कार्य किया, तपोमय ब्रह्म उनका दूध और वेद ही उनके पात्र थे। देवताओं ने स्वर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा तथा इंद्र बछड़ा बने और सूर्य ने दुहने का कार्य किया। पितरों ने चांदी लिया और यम बछड़ा बने तथा अंतक ने दूध दुहा और उनके दूध को स्वधा नाम दिया गया। नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी पात्र था तथा इरावत नाग ने दुहने का कार्य किया और विष रूपी दूध का दोहन किया। असुरों में मत दुहने वाला विरोचन बछड़ा बना तथा महामाया दूध दुहा और पात्र लोहे का था। यक्षों का पात्र कच्चा था तथा कुबेर बछड़ा बने, रजत नाभ दुहने वाला और अंतर ध्यान विद्या उनका दूध था। राक्षसों में सुमाली बछड़ा बना और रजत नाभ दुहने वाला तथा कपाल रूपी पात्र में सोणित रूपी दूध दुहा। गंधर्वों में चित्ररथ बछड़ा बने, कमल पात्र था, सुरुचि दुहने वाला और पवित्र सुगंध उनका दूध था। वहीं पर्वतों में महागिरी मेरु ने हिमवान को बछड़ा बनाकर शिलामय पात्र में रत्नों और औषधियों को दूध के रूप में दुहा। वृक्षों में बाकर बछड़ा बना, खिले हुए साल के वृक्ष ने दुहने का कार्य किया और जलने तथा कटने पर पुनः अंकुरित हो जाना ही उनका दूध था। इस प्रकार सबको धारण और पोषण करने वाली पृथ्वी समस्त चराचर जगत की आधारभूता तथा उत्पत्ति स्थान है। यह सब प्रकार के अंडों को अंकुरित करने वाली है। गोरूपा पृथ्वी मेदिनी ने पृथु की आज्ञा के अनुसार भूदेवी राजा पृथु की पुत्री बनी, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही मत। इसी के साथ मैं राहुल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।